हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और सुबह के 4 बजे है। आज का प्लान हमारा शूट का है और हम जा रहे हैं सातारा को, जो प्री वेडिंग शूट है। और यहाँ से अभी निकलने वाले, यहाँ से 2 घंटे का सफ़र है, तो अभी हम निकलने वाले। बीच में से किरण सर को भी लेना है और सागर आ चुका है। तो गाइस, हम यहाँ पे हमारे ऑफिस के पास आ चुके हैं और यहाँ पे बिल्डिंग में ऊपर हमारा ऑफिस है, तो यहाँ से कुछ सामान लेना था इसलिए ऑफिस के पास आए हैं। किरण सर आ चुके हैं और गाड़ी में बैठ गए। वो बाहर काफ़ी ठंड है और ऑफिस में से 2 बंदे आने वाले, सो अभी निकलेंगे। हे गाइस, हम यहाँ पे सातारा पहुँच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंड है और मेरे पीछे बहुत ज़्यादा फॉग है। आपने पीछे देखा कि हम थोड़ा बहुत पहाड़ों पे चढ़ के आ रहे थे। यहाँ से आगे बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं, मैं आपको पूरे दिखाऊंगा। आप बस वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दे। लोकेशन देखने के लिए जा रहे और ठंड की वजह से हमने ये लिया है साथ में। यहाँ पे छोटा वाटरफॉल दिख रहा है मुझे, मैं आपको भी दिखाता हूँ। बहुत छोटा है लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, मुंह में से भाप आ रही है। यहाँ पे देखिए, ये वाटरफॉल है। गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा है और सुबह सुबह बाहर आने का मज़ा ही कुछ और होता है। और इस व्लॉग में हम बहुत सारे लोकेशन देखने वाले हैं, बहुत सारे। हम प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं सो बहुत सारे लोकेशन हमें देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे हम शूट करेंगे, उसका बिहाइंड द सीन भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के ऐसा शूट करना और ये काफ़ी मज़ा आता है और ये हमारा फैशन है। और ये मेरा दोस्त शाहरुख है। हे गाइस, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा विंड मिल है। मेरे पीछे दिख रहे ये है विंड मिल और एक विंड मिल से एक गांव की इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो यहाँ पे बहुत सारे विंड मिल है और आप मेरे पीछे दिख रहे चारों तरफ विंड मिल है। हमने यहाँ पे काफ़ी शूट किया, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारी सारी टीम जो है वो आगे निकल चुकी है और मैं भी जा रहा हूँ। और अभी हम नेक्स्ट लोकेशन पर जाएंगे। नेक्स्ट लोकेशन हमारा भी वाटरफॉल है और वो भी बहुत बढ़िया है। वाटरफॉल का भी पूरा आपको मैं वीडियो दिखाऊँगा, वाटरफॉल का भी हम पूरा वीडियो कवर करेंगे। आप करो तो बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट लोकेशन ये है और यहाँ पे हम शूट करने वाले हैं। हम यहाँ पे ड्रोन से शूट करेंगे और कुछ फुटेज लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पूरा पानी है
छोटा सा झरना है और उसमें हम शूट करने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पे, और ड्रोन से शूट करेंगे। और बाकी टीम भी यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे टीम चल रहा है, थोड़ा बहुत इनका मैनेजमेंट चल रहा है और यहाँ पे हम शूट करने वाले हैं। यहाँ पे भी शूट करने वाले, दिखाओ, आ जाओ, चलो चलो। गाइज हमारा अभी शूट चल रहा है और यहाँ पानी के पास शूट चल रहा है, और हमारा जो ट्राइपॉड था कि GoPro का ट्राइपॉड था वो टूट चुका है और मैं अभी हैंड यूज़ कर रहा हूँ उसे। और लोकेशन बहुत बढ़िया है, मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया लोकेशन है और यहाँ पे बहुत रिस्क लेकर हम शूट कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह का शूट चल रहा है। तो टीम है जो किरण सर है उसको मैनेज कर रहे, एक लाइट का वाला बंदा है, और मैं अभी पानी के अंदर जाऊँगा और थोड़ा वो शूट करने की कोशिश करूँगा। ये दूसरा, लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं पानी के अंदर शूट कर रहे हैं, बहुत अच्छा शूट हो रहा है। और यहाँ पे भी कैमरा लगा रहा हूँ, सामने दिखाता हूँ आपको, ये रहा यहाँ पे शूट चल रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है और हमारा बैकअप भी कम हो रहा है अभी। तो गाइस हमारा यहाँ का शूट जो है वो अभी ख़त्म हो गया, अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन को, मैं आपको नेक्स्ट लोकेशन भी दिखाऊँगा। ये काफ़ी ख़तरनाक था, इसमें बहुत मज़ा आया शूट करने में। तो अभी यहाँ से जाने के लिए रास्ता नहीं है, मैं रास्ता निकाल निकाल के चल रहा हूँ और अभी है। यहाँ पीछे देख रहे हैं, ये थोड़ा सा पानी है और बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत एनर्जी जा रही है लेकिन कोई बात नहीं, शूट कर रहे हैं। और ऐसे जगह आके शूट करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नेचर का ख़जाना है, ऐसा ख़जाना कोई इंसान नहीं बना सकता, ये तो नेचर बनाता है। और ऐसे ख़जाने के साथ ये बड़े बड़े पत्थर वगैरह, और इसमें रास्ता निकल के चलना, मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद है। ये पानी आपको दिख रहा है, ये मतलब ये प्योर पानी है, इसे ना कि फिल्टराइज करने की ज़रूरत है ना कुछ। गाइस मैं ऐसी जगहों पे कैंपिंग करने की सोच रहा हूँ और ऐसे वीडियो बनाऊँगा यहाँ पे रह के, यहाँ का नेचर देख के, ये सब कुछ करने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाए। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, वहाँ पे बहुत शूट है। और अभी टाइम क्या है किरण सर? टाइम डेढ़ बजे, तो अभी बजे है 1:30, अभी जाएंगे हम नेक्स्ट लोकेशन पे, वहाँ पे शूट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन, और उसके बाद एक नेक्स्ट लोकेशन, यानी कि अभी फ़िलहाल 3 लोकेशन बाकी है, तीनों लोकेशन पर शूट करना है, तभी मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। चलिए गाइज, ये बंदा ड्राइविंग सीख रहे हैं और 5 बार गाड़ी बंद कर चुका है अभी तक, अभी देखेंगे अभी होता है क्या नहीं, अभी देखेंगे, अभी ट्राई कर रहा है, अभी ट्राई कर रहा है, करो करो, चलो चलो, ट्राई कर दो भाई। अरे यार बंद पड़ गई, तो फाइनली हम आ चुके हैं 3rd लोकेशन पे, और ये है हमारा 3rd लोकेशन जो शूट का है,
और इस डैम के पास है हमारा शूट, और यहाँ पे मेरे पास है ये ड्रोन, और इस ड्रोन को फ्लाई करेंगे कुछ शूट्स है और कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह का सेटअप है। तो गाइज हम अभी जाएंगे इस बोट में और एक राइड करेंगे पानी के अंदर से। अभी बोट जा रहा है आगे, अभी देखेंगे, काफी मजा आ रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि इसको पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। करो सब लोग, अरे दिख रहे कि नहीं, और ये सब लोग हैं। यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है हमारे कुछ शूट के लोकेशन, और यहाँ पे अभी तक इवनिंग को भी शूट चल रहा है और सुबह से हम शूट कर रहे हैं। घर से लगभग हम 3:30 बजे निकले थे, सुबह 7:30 बजे शूट स्टार्ट हुआ था, अभी तक शूट चालू है इवनिंग, और नाइट का भी थोड़ा बहुत शूट रहेगा। फाइनली गाइज हमारा शूट खत्म हो गया और रात के 9 बजे अभी यहाँ से हम घर जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।